हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावना सिंह। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी होंगी तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से जो ह्यूमन है वो रेस्पायर करते हैं, क्या मैकेनिज्म है और कौन से ऑर्गन जो है मेन ऑर्गन जो इसमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, तो ये हम देखेंगे आज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। स्टूडेंट्स, लंग्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है और हमारे नेजल कैविटी से लेकर के डायफ्राम तक का जो रीजन होता है ये कहलाता है, यहाँ वाला जो रीजन कहलाता है वो कहलाता है थोरेसिक कैविटी, या फिर इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ये एरिया जो होता है वो हमारा अंदर से वेकेंट होता है, ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये एरिया जो है वो वेकेंट कहलाता है, जिसको हम चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नोज से लेकर के जो यहाँ तक का जो रीजन होता है ये रीजन जो है वो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहलाएगा। इसके अंदर ही वन पेयर ऑफ लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में। इसके नीचे जो है डायफ्राम होता है, ये एक पार्ट होता है जो अलग करता है डायजेस्टिव सिस्टम को, जो नीचे के जो पार्ट्स हैं और ऊपर के पार्ट्स को अलग करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका लंग्स से, यहाँ से नोज से लेकर के लंग्स तक है। ठीक है, इसमें पहले इसके हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है जो एयर है वो हम कहाँ से इनटेक करते हैं स्टूडेंट्स, हम इनटेक करते हैं नोज से, है ना। नोज जो है उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे जो नोज है उसमें हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर और म्यूकस जो है वो हेल्प करता है, जो भी डर्ट हम एयर के साथ ले रहे हैं वो वहीं पर ही उसको एज ए सीव की तरह वो काम कर रहा है, उसको वहीं पर छन जाती है और जो फ्रेश एयर जो है और रिफाइंड एयर है वो ही अंदर जाती है ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने सांस लिया, ब्रीथ किया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये कहलाता है, ये जो पैसेज कहलाता है, यहाँ वाला जो पैसेज कहलाता है वो कहलाता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से जो एयर है वो जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द साइट ऑफ, इट्स ए काइंड ऑफ जंक्शन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, उसका जंक्शन कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से नीचे होते हुए जो एयर है वो पास होगी लैरिंग्स पर जाएगी। लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी कहता है, जो इसे को कहते हैं, जो जब आवाज़ निकालते हैं हम जब बोलते हैं तो वो उसके लिए वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, इसके बाद जो एयर है वो कहाँ जा रही है कि देख रहे हो आप, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, जो है कहलाता है ये ट्रेकिया। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया जो है उसको विंड पाइप भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की रिंग्स बनी रहती हैं, सी शेप रिंग्स बनी रहती हैं। ये क्यों बनी रहती हैं, क्योंकि जो एयर जो इसके अंदर आ रही है वो कोलैप्स ना हो, जो ये जो पैसेज है इट विल नॉट कोलैप्स। कैसे, जैसे हम सिंपली बलून में या फिर किसी प्लास्टिक में अगर हम एयर भरें तो जब हम भरते हैं तो हमने क्या किया, एयर को उसके अंदर डाला और उसके बाद में फिर वापस ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमने उसको वापस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, कोलैप्स ना हो जाए। इसकी वजह से इसके जो रिंग्स हैं ये बनाई गई हैं ताकि ये कोलैप्स होने से बचे, ना हो कोलैप्स। ठीक है, और इसके बाद में जो देखो ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हुए हैं दो भाग में। ठीक है, एक इन भागों को बोलते हैं ब्रोंकाइज, अंडरस्टूड। ये लंग्स में चले जाते हैं, ये देख रहे हो ये लंग्स है, वन पेयर लंग्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। इसके अंदर ये ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाइज चले जाते हैं और ब्रोंकाइज जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इस तरीके से, ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यहां तक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही चलता है, ये जो बने हुए हैं कार्टिलेजिनियस सॉफ्ट मसल्स के बने हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद में ये एरिया जो है, एयर यहाँ तक आ गया। ठीक है, हमने नोज से एयर को इनहेल किया, फिर उसके अंदर नेजल पैसेज, देन फैरिंग्स, फिर ट्रेकिया,
यानी कि वेंट पाइप, फिर उसके अंदर ब्रोंकाई में आया और फिर दो जगह इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये क्या है, ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इसको जो सिंगुलर टर्म है वो ब्रोंकस बोलते हैं। अब ये कहां पर आया, ये ब्रांचेस में आ गए, छोटे छोटे ब्रांचेस। अब इस ब्रांचेस में आप ये देख रहे हो, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये गोल गोल ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं एल्वियोलाई। इनका काम है एयर को अपने अंदर लेना, ठीक है, और इंक्रीज करना सरफेस एरिया को, ठीक है। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा एयर का, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, इसका फंक्शन है कि जब हम एयर को लेते हैं, इतनी सारी एयर हमने अंदर ले ली है ना, इतनी सारी एयर हमने अंदर ले ली, तो एयर जो है वो कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, लंग्स के एल्वियोलाइज में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सरफेस एरिया जो है उसका बढ़ जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर इसका इसीलिए है कि जितना भी एयर ले वो हम यहाँ पर रखते हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद में यहाँ से ब्लड टिश्यूज के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो एयर है वो कहाँ चले जाता है, डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स में चली जाती है, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है एल्वियोलाई का, अंडरस्टूड। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यहाँ तक तो हमने ऑक्सीजन लिया, सिमिलरली इसी तरीके से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम कहाँ से रिलीज करते हैं, नोज से रिलीज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक बार हम किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले जो हमने क्या किया, नोज से लिया ऑक्सीजन, लिया नोज से, है ना। उसके बाद में क्या किया हमने, जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, नेजल कैविटी, है ना, नेजल कैविटी में गया, इसके अंदर जाएगा। फिर जाने के बाद अब आप जाएगा वो फैरिंग्स में जाएगा, जो जो जंक्शन है फूड पाइप का और विंड पाइप का। आफ्टर दैट ऑक्सीजन जो है वो जाएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया जो है वो एक पाइप की तरह है, उसका स्ट्रक्चर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, और इससे जो ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकिया, विंड पाइप बोलते हैं, तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो यानी कि इसके अंदर से जो एयर है वो सीधे जाएगी कहां पर, रशअप होगी, वो जाएगी ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकियोल्स में। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद जाएगी सबसे मेन जो इसका काम है एल्वियोलाई में जाएगी, ठीक है। एल्वियोलाई से फिर जाएगी ब्लड में, जो ऑक्सीजन है अब ब्लड से जाएगी सेल्स में या फिर सब टिश्यूज में चली जाएगी, अंडरस्टूड। तभी तो एनर्जी रिलीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के। अब टिश्यूज में गई, ये क्या जा रहा है, ऑक्सीजन नेजल कैविटी में गया, नेजल कैविटी से फिर नेजल पैसेज, फिर फैरिंग्स, ट्रेकिया, फिर आ गया ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में जो एल्वियोलाई का जो एरिया सरफेस है वो क्या है, वो उसको बढ़ाया गया है, बढ़ जाता है वो, ठीक है, जिसमें जो है एयर जो है वो रहती है ऑक्सीजन। फिर यहाँ से ऑक्सीजन में ब्लड कैपिलरी जो है एल्वियोलाइज में बहुत ही रिच ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो एल्वियोलाई से डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज चली जाती है, और ब्लड जो है वो हमने पता है कि वो क्या करता है, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो टिश्यूज में भी जा करके पहुँचाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टिश्यूज में, सेल्स में ब्लड ऑक्सीजन का पहुँचना। अब क्या होता है, अब जब टिश्यूज में पहुंचा दिया तो सेल्स में पहुंचाया, सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसके बाद में कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से फिर वापस कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड से वापस एल्वियोलाई में आएगी, एल्वियोलाई से वापस ब्रोंकियोल्स, देन ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया, फैरिंग्स, नेजल कैविटी एंड देन नोज। फिर यहां से हम CO2 को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, है ना। तो O2 जो है वो इसी पैसेज से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज से वापस चली जाती है,
अंडरस्टूड। तो यही जो है हमारा एक सिंपल सा देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये आता है एग्जाम में और इससे रिलेटेड 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सिंपल सा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था सो दैट कि इट विल बी ईजियर फॉर यू। बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, नोज है, नेजल पैसेज है। अब इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एयर है, फिर से समझ लेते हैं एक बार, एयर जो है ऑक्सीजन वो नोज के थ्रू नेजल पैसेज से अंदर आती है। फैरिंग्स जो है वो एक जंक्शन है फूड पाइप का और विंड पाइप का, जो बचा जो ढका रहता है ग्लॉटिस से, ठीक है। और उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो आपने देखा खाने जब हम खाते हैं तो खाना खाते समय हम खाना भी खाते हैं सांस भी लेते हैं, तो फ्लैप जो है उसको ऐसे ऐसे करके हमेशा चलता रहता है सो दैट कि जो खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाए, तो वो बंद ओपन और बंद होता रहता है। नेक्स्ट है आपका लैरिंग्स, इससे वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अब जो एयर है वो कहाँ आएगा, ट्रेकिया में आ जाएगा। ट्रेकिया इज ए विंड पाइप, किसका बना है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना है। और ये क्यों बना है, ताकि एयर के आने से जो रिंग्स जो हमारे ट्रेकिया विंड पाइप जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। अब जो है 2 भागों में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेस इन लंग्स, सो दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। आफ्टर दैट इसके बाद में ब्रोंकियोल्स के ऊपर जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, एयर को अपने अंदर ले रहा है। इसीलिए उसका सरफेस एरिया बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए वो शेप में बना हुआ है कि वो एयर को अपने अंदर ले सके, उसको रख सके। इसके बाद में यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो एयर है यानी कि ऑक्सीजन वो पूरे ब्लड से ट्रांसफर होके सारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, सारे सेल्स में पहुँच जाता है। फिर सेल्स में पहुँचने के बाद वहाँ पर रिएक्शंस होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में अभी तो पढ़ा था सेलुलर रिएक्शंस हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड के थ्रू कहाँ आ रहा है, एल्वियोलाई में आ रहा है। एल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फैरिंक्स, नेजल पैसेज एंड देन आउट, क्लियर। तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द पैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से जो है हमारी बॉडी क्या कर रही है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रही है, और किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी एक्सहेल कर रही है। कौन कौन सी और चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पर जो हमारी बॉडी हेल्प करेगी, जैसे डायफ्राम हेल्प करेगा हमारी बॉडी को इनटेक करने में ऑक्सीजन को। अभी देख मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं और कैसे हम जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर रहे हैं और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, पूरा पैसेज अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस कैसे से नोज से के थ्रू कैसे ब्लड टिश्यूज में फिर सेल्स में ऑक्सीजन जा रहा है और फिर वापस कैसे जा रहा, कैसे वो बाहर आ रहा है निकल के कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो कैसे एल्वियोलर सैक तक जाती है। स्टूडेंट्स जो लंग्स होते हैं दे कैन नॉट एक्सपेंड, वो खुद से एक्सपेंड नहीं कर सकते और ना ही वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सांस लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, इस वाले एरिया को डायफ्राम से जो ऊपर का जो एरिया है या कैविटी जो है, इस कैविटी को हम क्या करते हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, फिर हम एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, क्लियर। तो जो ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स जो है जिस कैविटी के अंदर ये है उस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी। कैविटी मतलब एक खाली जगह जहाँ पर ये है, तो लंग्स जो है वो अपने आप तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो ये किसके थ्रू कर रहा है, ये रिब्स के थ्रू कर रहा है और डायफ्राम के थ्रू कर रहा है। ये आप डोम शेप डायफ्राम देख रहे हो, ये जो डायफ्राम है जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो ये क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है, अंडरस्टूड, ये फ्लैट हो जाता है। और यहाँ पर हमारे रिब्स प्रेजेंट है, इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट है ना, तो ये जो रिब्स होती हैं, ये रिब्स क्या करती हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिब्स जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाती हैं। देखो जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारी जो रिब्स हैं वो भी हमें दिखती हैं और वो क्या होती हैं, थोड़ा सा लिफ्ट अप होती हैं और जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, अंडरस्टूड।
तो इसके थ्रू जो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर तुरंत पहुंच जाती है, एल्वियोलर सैक तक पहुंच जाती है, एल्वियोलाइज तक पहुंच जाती है। उसके बाद में एल्वियोलाइज से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड सेल्स में पहुंच जाती है, पूरे सेल्स में पहुंच जाती है। फिर सिमिलरली ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू एल्वियोलर सैक में आता है और वहाँ से फिर वो एक्सहेल आउट हो जाता है। तो लंग्स कैन नॉट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय ओन, वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज डन बाय डायफ्राम, डायफ्राम के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, इज डन बाय डायफ्राम, रिब्स इन द थोरेसिक चेस्ट कैविटी। जो रिब्स जो हैं वो हमारे जो लंग्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, इसको क्या कर रहा है अंदर एक केज की तरह एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है रिब्स जो है इन द थोरेसिक कैविटी। और डेफिनेटली वो हमारे जब हम इनहेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी रिब्स जो है वो बहुत हेल्प करता है। व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम अपने लिफ्ट रिब्स को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं, लिफ्ट अप करते हैं। आप अभी आप खुद भी करके देखोगे ना तो आपको खुद एहसास होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम अपने रिब्स को लिफ्ट अप कर रहे हैं और एंड फ्लैटन आर डायफ्राम। और जो हमारा डायफ्राम ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं। अब क्या होता है, देन द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। अब जो चेस्ट कैविटी है हमारी वो कैविटी क्या हो जाती है, ये क्या कहला रही है, चेस्ट कैविटी कहला रही है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अब ये क्या हो रही है, लार्जर हो रही है। लार्जर क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें एयर आ गई, बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। देन द एयर इज सब्ज इन टू द लंग्स, लंग्स में चली जाती है एयर एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। और जो एल्वियोलाई है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वो क्या हो जाती है, एयर फिल्ड अप हो जाती है। क्लियर। द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रिलीज इन टू द एल्वियोलाई। अब ब्लड जो है वो अब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जब पहुंच रही है उसके बाद में ब्लड जो है वो सारे सेल से, सारे टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है, एल्वियोलाई में रिलीज हो रहा है जाकर के। O2 इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो O2 है वो लिया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पूरी बॉडी के सेल्स में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखवा दिया था, इससे पहले जो भी आपको एक एक्सचेंज ऑफ लंग्स का पैसेज दिया था वो पैसेज बहुत ही ईजी है। और अगर वो आपका इस तरीके से फॉर्म में आता है कि हाउ डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स, तो आप उसको एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल वो आप पैसेज भी बना सकते हैं जो वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप मैंने लिखवाया था। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। बाय बाय।